सीखेंगे कि कैसे हमें गूगल सर्टिफिकेशन के लिए अपियर होना है और कैसे फिर उसको क्लियर करके हमें गूगल सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनना है। गाइस, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने गूगल पीपीसी, जो हमने पीपीसी का जो सेशन देखा था, उस सेशन को अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आपके लिए एग्जाम ईजी होने वाला है, और सिर्फ अगर आपने वीडियो देखी है तो शायद ये आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, थोड़ा हार्ड हो सकता है। बट गाइज, दैट इज़ फॉर श्योर कि अगर आप गूगल की एग्जाम जो है इसको अपियर कर लोगे, तो फर्स्ट टाइम में अगर आप क्लियर नहीं भी होते हो तो देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, आप वन वीक लेटर आप फिर से रीअटेम्प्ट कर सकते हो और आप मल्टीपल रीअटेम्प्ट कर सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, बट अटेम्प्ट जरूर करना है। गाइज, गूगल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जिसका मैंने पूरा आपको तरीका कैसे उसको करना है और कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ पर जाना है, क्या लॉगिन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी है आज। तो गाइज, आइए चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप इस पर्टिकुलर एग्जाम्स को, असेसमेंट को अपीयर कर सकते हैं और उसके बाद एक अच्छा सा गूगल सर्टिफिकेशन लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जॉब प्रोफाइल में, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल में, वगैरह वगैरह। सो गाइज, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है बिकॉज गूगल सर्टिफिकेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो आइए चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और वहां सीखते हैं कि हमें ये गूगल का एग्जाम कहां से अपीयर करना है। सो गाइज, नाउ आई एम इन माय कंप्यूटर स्क्रीन एंड आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू ऑफ द थिंग्स जो आपको करना है। और ध्यान रखना गाइज कि जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही एज इट इज करना, अदरवाइज आप किसी और एग्जाम में पहुंच जाओगे और वहां से फिर आपको वापस आने में या समझने में दिक्कत हो सकती है। तो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, गूगल ओपन करना और गूगल पर जाकर लिखना गूगल एड्स अकेडमी। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इसको टाइप कर दिया है, और टाइप करने के बाद अब ये वाला जो ऑप्शन है अकेडमी फॉर एड्स, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे आप अकेडमी फॉर एड्स पे क्लिक करोगे तो नाउ दिस इज दैट पेज जिसमें आपको गूगल के बहुत सारे कॉन्टेंट मिलेंगे जिसके अंदर एग्जाम्स अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल ने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आप लोगों के लिए ओपन रखे हैं जहाँ पर जाके आप गूगल के बारे में, इनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और डीपली पढ़ सकते हैं। और आप यहां से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में जाके जो भी सर्टिफिकेशन को एनरोल करना चाहते हैं उसको एनरोल करके उसका सर्टिफिकेशन आप कंप्लीट करके फिर सर्टिफाइड हो सकते हैं। ओके, सो गाइज, अब मैं आपको ले जाता हूं इसके इन डेप्थ में। जैसे आप देख रहे हैं कि गूगल एड्स वाला यहां पर वो आपका नहीं बना, दैट्स रीजन मैं यहां पर क्लिक करूंगा गूगल एड्स पे, अदरवाइज यहां पर इसका जो थंबनेल है वो नहीं बन पा रहा है, थंबनेल इनका नहीं आ रहा है। मे बी अभी कुछ रीजन चल रहा होगा गूगल की तरफ से, बट आप लोगों को आपका थंबनेल दिख जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो यहां पर आप देख रहे हैं गूगल एड्स से रिलेटेड आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, लाइक डिजिटल सेल्स है, एड्स डिस्प्ले है, एड्स मोबाइल, प्रोग्रामेटिक एड्स, वीडियो एड्स, सर्च एड्स, शॉपिंग। सबसे ज्यादा पॉपुलर गाइज इसमें से है एड्स सर्च। आपको क्या करना है, आपको मिनिमम दो एग्जाम देने हैं, एक फंडामेंटल और एक स्पेसिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एड्स सर्च की बात करूं तो आपको जाना है एड सर्च को क्लिक करना है और फिर आपको उसमें दो मेजर एग्जाम देने होते हैं, वन इज फंडामेंटल, सेकेंड इज सर्टिफिकेशन। ये देना मैंडेटरी है, इसके बिना आप सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट सर्टिफिकेशन दे दोगे तो आपको वो कंसिडर नहीं माना जाएगा कि आप सर्टिफाइड हो चुके हो। तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल फंडामेंटल्स पे जाना है और एक नया विंडो खुल गया जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहां पर जाके आपको गेट स्टार्ट तब करना है जब आपको गूगल फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसमें 3.7 आर का कंटेंट है, मतलब कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसको अगर आपको थियोरेटिकल और ज्यादा बेस क्लियर करने के लिए पढ़ना है तो गाइज यहां पर आप गेट स्टार्टेड करके इस पूरे कंटेंट को पढ़ सकते हैं। और यहां पर आपको नीचे आना है और देन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप असेसमेंट के लिए क्लिक कर सकते हैं। असेसमेंट के लिए आपको गाइज 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, मतलब 1.5 घंटा आपको मिलेगा, आप असेसमेंट को क्लियर कर सकते हैं। इस असेसमेंट में तभी जाना गाइज जब आप क्लियर हो, आप मेंटली प्रिपेयर हो कि अभी आपको एग्जाम देना है और आप उस एग्जाम को देना शुरू कर दोगे, क्योंकि अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया और बीच में आप इसे छोड़ देते हो तो आपका वो अटेम्प्ट फेल हो जाएगा, मतलब आपका अटेम्प्ट फेल हो गया, आप उसके बाद फिर एक जो नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो वो नेक्स्ट वन वीक बाद ही कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था, तो इट इज आस्किंग मी रिज्यूम। आपका यहाँ पर गेट स्टार्टेड आएगा या फिर स्टार्टेड आएगा, जो भी आप देख सकोगे दैट विल बी वैलिड। ऐसा नहीं कि आपका भी रिज्यूम ही आना चाहिए। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में बता दूं सो दैट यू विल बी क्लियर अबाउट दिस। गूगल एड्स फंडामेंटल असेसमेंट है ये,
इसमें आपको 1.5 आवर्स मिलेंगे इसको क्लियर करने के लिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि गाइज आपको 90 मिनट्स में 65 क्वेश्चन का आंसर देना है, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 1.5 मिनट्स या 1.4 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन का आंसर देने में। तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, अगर आपको 90 मिनट्स मिले हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप 20 मिनट्स के अंदर ही क्वेश्चन सारे आते हैं तो आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि गूगल उसे फिर स्पैम मानेगा या गूगल मानेगा कि आपने कहीं ना कहीं से कुछ चीटिंग की है और जिस वजह से वो अटेम्प्ट फेल अगेन हो जाएगा। अगर 90 मिनट्स बोला है तो 90 मिनट्स से ऊपर तो होगा ही नहीं क्योंकि वो फ्रीज हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सेशन, बट अगर आप 90 मिनट से बहुत कम टाइम में भी कर देते हो तो भी गूगल उसे अटेम्प्ट नहीं मानेगा, उसे एज एन सक्सेस नहीं मानेगा। तो आपको ऑन एन एवरेज 70-80 मिनट के अंदर खत्म करना आपके लिए ठीक है, आप कर सकते हो। प्रॉपर 90 मिनट्स भी ले सकते हो या फिर 70-80 मिनट्स भी ले सकते हो, बट आप 20-40 मिनट्स के अंदर खत्म करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। 80% इज द मार्क्स फॉर मिनिमम टू क्वालिफाई फॉर द सर्टिफिकेशन, मतलब ये जो फंडामेंटल है इसको क्लियर करने के लिए आपको 80% मिनिमम अचीव करना ही पड़ेगा। एंड इफ यू एंड असेसमेंट अर्ली, जैसे साहब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑन द टाइमर रन्स आउट बिफोर यू हैव आंसर्ड इनफ क्वेश्चन करेक्टली यू वोंट पास, मतलब आपने अगर बहुत पहले भी इसको खत्म कर दिया असेसमेंट अर्ली, इन द असेसमेंट अर्ली मतलब है कि आपने बहुत पहले खत्म कर दिया तो भी आपको पास नहीं माना जाएगा, नो मैटर कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है या नहीं दिया है। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया है कि आपको फंडामेंटल कैसे देना है। जैसे आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाता है अब आप एलिजिबल हो नेक्स्ट इसका जो सर्च एड्स है उसके लिए, जिसके लिए आपको वापस यहां पर आना है। जैसे आपका ये क्लियर हो जाएगा गाइज इसके बाद ही अटेम्प्ट करना, तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एक नया विंडो ओपन हुआ है और नए विंडो के अंदर आपको नीचे जाना है। जैसे आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है तो आपको गूगल एड्स सर्च के अंदर जाना है। जैसे आप गूगल एड्स सर्च के अंदर जाएंगे तो यू विल फाइंड गेट स्टार्टेड, ये तो खैर कॉन्टेंट पढ़ने के लिए है बट असेसमेंट ये रहा, असेसमेंट यहाँ से देना है आपको, मतलब सर्टिफिकेशन का जो एग्जाम्स है वो ही आपको यहाँ से देने हैं। इसमें 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा, सो लेट्स क्लिक ऑन इट। एंड जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइज यहाँ पर भी रिज्यूम का ऑप्शन आएगा कि आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर 65 क्वेश्चन थे यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, लेकिन पासिंग मार्क्स सेम रहेगा कि आपको 80% ही अचीव करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है गाइज तो ध्यान रखना कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हालांकि यहाँ पर टाइम भी ज़्यादा है, यहाँ पर 120 मिनट्स का टाइम है, 2 घंटे का टाइम दिया गया है विच इज़ इनफ आई वुड से, बट स्टिल आपको 1.2 मिनट्स का जो एवरेज टाइम है वो यहाँ पर मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको ना पहले खत्म करना है और ना 120 मिनट्स के बाद खत्म करना है, क्योंकि 120 मिनट्स जैसे हो जाएगा आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपने जितने क्वेश्चन दिए हैं उसी बेस में आपका परसेंटेज जो है कवर हो जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन दिया है, और आउट ऑफ 100 में से अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए तो वो आपका बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए जितना अच्छा आप आंसर दे रहे हो और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1.2 मिनट्स को उसको मेंटेन करते हुए चलना, बहुत ज़्यादा लेट मत करना। तो गाइज इस तरीके से आप इजिली अपने गूगल सर्टिफिकेशन को क्लियर कर सकते हो, ये मैंने सिर्फ सर्च एड्स का बताया। और गाइज अगर आपने सर्च एड भी कंप्लीट कर लिया तो आप सर्टिफाइड जरूर कहलाओगे, दैट यू विल बी सर्टिफाइड, बट अगर आपको लग रहा है कि आपको और भी सर्टिफिकेशन देने हैं देन इट इज योर विश, बट आप सर्टिफिकेशन इससे भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर जाऊंगा ब्राउज करके एंड आई विल गो टू गूगल एड्स, एंड आप चाहते हो कि अब आपको डिस्प्ले एड्स में भी सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको वीडियो एड में भी सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको शॉपिंग एड्स में भी सर्टिफिकेशन चाहिए, तो इसमें से कोई भी एक क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर एड का भी सर्टिफिकेशन असेसमेंट देके आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गूगल एड्स फंडामेंटल है, तो फंडामेंटल आपको यहाँ पर देना है विच इज यहाँ पर कवर द इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स ऑफ द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग गूगल एड्स, बट आपने जैसे कि इससे पहले फंडामेंटल दे दी है तो आपको ये दोबारा नहीं देना है, अब आपको सिर्फ गूगल एड्स फंडामेंटल असेसमेंट पर जाना है और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। कैन यू सी दैट जस्ट अ मोमेंट गाइज, यहाँ से मैं आपको क्लियर कर दूँ गूगल एड्स डिस्प्ले सर्टिफिकेशन दिस वन, ओके नाउ हियर यू हैव टू गो टू एड्स डिस्प्ले And now here is assessment guys. ये display advertising assessment है, यहाँ से आप इसको resume कर सकते हैं। Criteria बिल्कुल same है वैसे ही, लेकिन इस बार आप display ads दे रहे हैं कि आप डिस्प्ले एड में भी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो इसी को ही कहते हैं कि मल्टीपल सर्टिफिकेशन इन गूगल। आपने सुना होगा कि गूगल में 6-7 सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो इसी तरीके से हैं, आप जितना चाहें उतना यहाँ पर आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं स्पेसिफिकेशंस में। जैसे ये डिस्प्ले एड्स है, इससे पहले हमने सर्च एड्स किया था, और ऐसे ही बहुत सारे एड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप गूगल एनालिटिक्स भी दे सकते हैं,
गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपको गूगल एनालिटिक्स के असेसमेंट मिलेंगे जो आपको क्लियर करने हैं लाइक दिस। यहाँ पर आप गूगल एनालिटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एग्जाम को रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 60 मिनट्स मिलेगा 70 क्वेश्चंस के लिए, मतलब यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड्स का एक एवरेज टाइम मिलेगा, 80% हायर है वही, बाकी सारी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी। तो गाइस इसका आपको ध्यान रखना है, यू आर अबाउट टू टेस्ट योर नॉलेज ऑफ डिजिटल एनालिटिक्स बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। द गूगल एनालिटिक्स इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन एग्जाम कंसिस्ट 70 क्वेश्चन एंड टेक्स 60 मिनट्स टू कंप्लीट, राइट। तो यहाँ पर 60 मिनट्स टू कंप्लीट कर रहा है आपको, बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट ये है कि इन्होंने कहा है कि टाइम लिमिट 90 मिनट्स, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो गाइज लेकिन आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि आपको 90 मिनट्स मिल जाएगा, आपको मिलेगा 60 मिनट्स ही, तो आप 60 मिनट्स के अंदर अपने आपको कंप्लीट कर देना। इस तरीके से गाइज आप मल्टीपल जो सर्टिफिकेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं, और क्लियर करने के बाद आई वुड से कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस कि आप सब क्लियर बिल्कुल कर लोगे। मेरे बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं और मैं चाहता हूँ कि आप ये सर्टिफिकेशन क्लियर करके जल्दी से जल्दी